हेलो फ्रेंड, ट्रिपल ए में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक रेयर लेकिन यूनिक प्लांट की बात करेंगे जिसे हम कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं, और साथ में इस खूबसूरत प्लांट में फ्लावर और बर्ड्स भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी करें। कल्प वृक्ष को हम कल्प तरु, सुर तरु, देव तरु और कल्पलता के नाम से भी जानते हैं। का बोटेनिकल नेम एडेंसोनिया डिजिटाटा है और इंग्लिश नेम बाओबैब ट्री है। कल्प वृक्ष का जिक्र बहुत सारे रिलीजियस बुक में भी है और इससे बहुत सारी जुड़ी कहानियाँ भी प्रचलित हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। तो चलिए सबसे पहले इस ट्री के ट्रंक को देखते हैं। ये लगभग 25 ईयर्स ओल्ड ट्री है। इसका ट्रंक काफी मोटा हो गया है और ब्रांचेस देखिए कितने ज्यादा हैं, और इसकी हाइट भी बहुत ज्यादा है। ये एक डेसीडियस प्लांट है। इसके सारे लीव्स दिसंबर से मार्च के बीच गिर जाते हैं। उस समय प्लांट में सिर्फ ब्रांचेज ही रह जाती हैं, और अप्रैल आते आते इसमें बहुत सारे लीव्स फिर देखने को मिलते हैं। इसके लीव्स कंपाउंड होते हैं। देखने में ऐसे लगता है कि 5 लीव्स एक साथ जुड़े हुए हैं, और फ्लावर भी 5 पेटल्स का व्हाइट कलर में, जो देखने में काफी खूबसूरत लगता है। फ्लावर और बर्ड दोनों नीचे की तरफ झुके रहते हैं। यहाँ आप जो फ्लावर देख रहे हैं उसी के पास एक छोटा सा बर्ड भी है। फ्लावरिंग के बाद इसमें सीड पॉड बनता है, लेकिन कुछ ही सीड पॉड लंबे समय तक सरवाइव करता है। यहाँ आप प्लांट पर काफी हाइट पर आप देख रहे हैं कुछ सीड पॉड हैं। इस प्लांट का प्रोपगेशन इसके स्टेम कटिंग से भी किया जाता है और सीड से भी। प्लांट रिलीजियस होने की वजह से लोग इसे घर में लगाना पसंद करने लगे हैं। अगर आप इस रिलीजियस प्लांट को अपने घर में लगाना चाहते हैं तो पॉट में लगाएं, क्योंकि जमीन में लगाने से इसके ट्रंक काफी मोटे हो जाते हैं और इसके रूट्स भी बहुत ज्यादा फैलते हैं, जो आसपास के बिल्डिंग को खराब कर सकते हैं। पॉट का सिलेक्शन 12 इंच से लेकर के 15 इंच का कर सकते हैं। सॉइल बनाते समय पोरस सॉइल बनाएं। फर्टिलाइजर की कोई खास जरूरत नहीं होती है, और एक बात का खास ध्यान रखें, दिसंबर से लेकर के मार्च तक इस प्लांट को पानी ना दें, नहीं तो प्लांट खराब होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं।